गुड मॉर्निंग बच्चों, कक्षा 8 कर्णिका संस्कृत व्याकरण तथा रचना, जिसमें हमने पहले शब्द रूप प्रकरण पढ़ा था। हमने समझा था कि शब्द रूप होते क्या हैं तथा यह किस प्रकार से इनका प्रयोग लिया जाता है। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि संस्कृत भाषा में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तथा पढ़ा था कि लिंग कितने होते, 3 प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग। और विभक्तियों के मूल रूप क्या क्या होते हैं ये समझा था। उसके बाद हमने अकारांत पुल्लिंग का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है तथा अजंत शब्द और हलंत शब्द क्या होते हैं ये समझा था कि अजंत शब्द वे कहलाते हैं जिन शब्दों के अंत में अच्छ वर्ण आते हैं, उन्हें अजंत शब्द कहते हैं। हलंत वर्ण वो कहलाते हैं जिन शब्दों के अंत में हल वर्ण आते हैं, उन्हें हलंत वर्ण कहते हैं, हलंत शब्द कहते हैं। उसके बाद हमने राम शब्द की विभक्ति पढ़ी थी, देव शब्द की विभक्ति पढ़ी थी तथा छात्र शब्द की विभक्तियाँ पढ़ी थी। अब इसी के अंतर्गत इकारांत पुल्लिंग में हम मनु शब्द का प्रयोग करेंगे। तो इनकी विभक्तियाँ किस प्रकार से, इनके रूप कौन से हैं ये पढ़ेंगे। आप देखिए इकारांत पुल्लिंग में मनु शब्द, तो मुनिह, मुनि, मुनियः प्रथमा, मुनिम, मुनि, मुनिन द्वितीया, मुनिया, मुनिभ्याम, मुनिभि तृतीया, मुनिये, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः चतुर्थी, मुनि, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः पंचमी, मुनि, मुनियोः, मुनीनाम षष्ठी, मुनौ, मुनियोः, मुनिषु सप्तमी, हे मुने, हे मुनि, हे मुनियः संबोधन। इस प्रकार से मुनि शब्द का इकारांत पुल्लिंग जिनके अंत में ई हो तो इस प्रकार से इनका प्रयोग होता है। मुनि तो इसमें ई इकारांत है। उसी प्रकार से हरि, कवि, कपि, रवि, भूपति, अग्नि, इन शब्द के भी रूप इसी तरीके से चलेंगे। इकारांत का मतलब होता है जिन शब्द के पीछे ई शेष रहता है वह इकारांत पुल्लिंग कहलाता है। उसी तरीके से आप पति शब्द देखिए, पतिह, पति, पत्यः प्रथमा, प्रतिम, पति, पतिन द्वितीया, प्रत्या, प्रतिभ्याम, प्रतिभि तृतीया, प्रत्ये, प्रतिभ्याम, प्रतिभि, प्रत्ये, प्रतिभ्याम, प्रतिभि चतुर्थी, प्रत्युह, प्रतिभ्याम, प्रतिभि पंचमी, प्रत्युह, प्रत्यो, प्रतिनाम षष्ठि, प्रत्यौ, प्रत्योह, प्रतिषु सप्तमी, हे पते, हे पति, हे पत्यः संबोधन। यदि पति शब्द किसी शब्द के साथ जुड़ा हो तो उसके रूप मुनि शब्द के समान होते हैं। कैसे, जैसे महीपति, नृपति और भूपति, तो इनके रूप किस प्रकार से होंगे, मुनि शब्द के अनुसार ही होंगे। फिर देखिए उकारांत पुल्लिंग, जिनके अंत में उ शेष रह जाता है उसे उकारांत पुल्लिंग कहते हैं। जिन शब्द के अंत में उ शेष हो तो साधु यानी सज्जन के रूप कैसे बनेंगे, साधु है, साधु, साधवः प्रथमा, साधुम, साधु, साधुन द्वितीया, साधुना, साधुभ्याम, साधुभिः तृतीया, साध्वे, साधुभ्याम, साधुभ्यः चतुर्थी, साधो, साधुभ्याम, साधुभ्यः पंचमी, साधो, साध्वोः, साधुनाम षष्ठि, साधौ, साध्वोः, साधुषु सप्तमी, हे साधो, हे साधु, हे साधव संबोधन। तो उकारांत पुल्लिंग के रूप गुरु, बंधु, शिशु, भानु, रिपु, तरु आदि ये एक समान ही बनेंगे। अब है ऋकारांत पुल्लिंग, जिनके अंत में रि शेष रह जाता है वह ऋकारांत पुल्लिंग। पितृ यानी पिता, तो इसके कैसे बनेंगे, पिता, पित्रौ, पित्रः प्रथमा, पित्रम, पित्रौ, पित्रन द्वितीया, पित्राः, पितृभ्याम, पितृभिः तृतीया, पित्रे, पितृभ्याम, पितृभिः चतुर्थी, पितृ, पितृभ्याम, पितृभिः पंचमी, पितुः, पितरौ, पितॄणां षष्ठी, पितृ, पित्रोः, पितृषु सप्तमी, हे पितृ, हे पितृ,
हे पितरः शंभो धनम्। दात्र यानी देने वाला, दाता दात्राउ दात्रः प्रथमा, दात्रम दात्राउ दात्रन द्वितीया, दात्राः दात्राभ्याम दात्रेभ्यः तृतीया, दात्रे दात्राभ्याम दात्रेभ्यः चतुर्थी, धातुः दात्राभ्याम दात्रेभ्यः पंचमी, धातु दात्रोः दात्राणां षष्ठी, दात्री दात्रोः दात्रेषु सप्तमी। हे दातः हे दाताउ हे दाता शंभो धनम्। कृत यानी कर्ता, भ्रत स्वामीपति, भात्र यानी भाई, श्रोत यानी सुनने वाला। अब आप देखिए अजंत्र स्त्रीलिंग, ये सारे रूप हमने पुल्लिंग के पढ़े थे, अब हम अजंत स्त्रीलिंग के रूप पढ़ेंगे कि किस प्रकार से आकारांत स्त्रीलिंग में किस प्रकार से प्रयोग होता है। लता, लता लते लताहा स्त्रीलिंग है ये, तो इसका प्रयोग इसी प्रकार से होगा। प्रथमा लताम लते लताहा, द्वितीया लतया लताभ्याम लताभिः, तृतीया लताए लताभ्याम लताभ्यः, चतुर्थी लतायाः लताभ्याम लताभ्यः, पंचमी लतायाः लतयो लतनाम, षष्ठी लतायाम लतयो लताशु, सप्तमी हे लते हे लते हे लताः शंभो धनम्। रमा कन्या बालिका कक्षा प्रजा विद्या, अन्य अकारांत स्त्रीलिंग शब्द इसी प्रकार से बनेंगे। अब इकारांत स्त्रीलिंग शब्द देखिए, मति यानी बुद्धि स्त्रीलिंग है ये, तो इसके रूप बनेंगे मतिः मति मत्यः प्रथमा, मतिम मति मतिः द्वितीया, मत्या मतिभ्याम मतिभिः तृतीया, मतिये मतिये मतिभ्याम मतिभिः चतुर्थी, मत्या मतिभ्याम मतिभिः पंचमी, मत्या मतयोः मतीनाम षष्ठी, मत्याम मतयो मतिषु सप्तमी, हे मते हे मति हे मतयः शंभो धनम्। गति स्तुति भक्ति प्रकृति शांति नीति और प्रकृति आदि के रूप भी इसी प्रकार से बनेंगे। इकारांत जिसके अंत में ई शेष हो तो वह इकारांत स्त्रीलिंग कहलाता है, तो इनके रूप ऐसे ही होंगे नदी नदो नदः प्रथमा, नदीम नदौ नदीः द्वितीया, नदा नद्याम नदीभिः तृतीया, नदे नदीभ्याम नदीभ्यः चतुर्थी, नदः नदीभ्याम नदीभ्यः पंचमी, नदः नदौ नदीनां षष्ठी, नदां नदो नदीषु सप्तमी, हे नदी हे नदौ हे नदः संबोधनम्। जननी पुत्र अग्नि नारी और पत्नी आदि के इसी प्रकार से बनेंगे। इसी में भी रिकरांत स्त्रीलिंग मात्र शब्द किस प्रकार से बनेंगे, माता माताउ मात्रः प्रथमा, मात्रम मात्राउ मात्रः द्वितीया, मात्रा मात्राभ्याम मात्रेभ्यः तृतीया, मात्रे मात्राभ्याम मात्रेभ्यः चतुर्थी, मात्र मात्राभ्याम मातृभ्यः पंचमी, मातु मातयोः मात्राणां षष्ठी, मात्री मातृयोः मातृषु सप्तमी, हे माता हे माताउ हे मात्रः संबोधनम्। अब देखिए आप अजंत नपुंसक लिंग अकारांत नपुंसक लिंग किस प्रकार से बनेंगे, फिर इकारांत और फिर उकारांत और ऋकारांत। तो आप देखिए अकारांत नपुंसक लिंग फल, फलम फले फलानी प्रथमा, फलम फले फलानी द्वितीया, फलेन फलाभ्याम फलेह तृतीया, फलया फलाभ्याम फलेह चतुर्थी, फलार्थ फलाभ्याम फलेयभ्य पंचमी, फलस्य फलयो फलानाम षष्ठी, फले फलयो फलेषु सप्तमी, हे फल हे फले हे फलानी संबोधनम्। पुष्प उद्यान नेत्र गगन कमल वस्त्र गीत धन आदि इसी प्रकार से बनेंगे। जो निर्जीव वस्तु होते हैं वो नपुंसक लिंग के अंतर्गत आते हैं। अब इकारांत के देखिए वारी यानी जल, वारी वारिणी वारिणी प्रथमा, वारी वारिणी वारिणी द्वितीया, वारिणा वारिभ्याम वारिभिः तृतीया, वारिये वारिभ्याम वारिभिः चतुर्थी, वारिणः वारिभ्याम वारिभ्यः पंचमी, वारिणः वारिणोः वारिणां
षष्टि वारिणी वारिणोः वारिषु सप्तमी हे वारी हे वारिणी हे वारिणी संबोधनम्। उकारांत पुल्लिंग के भी आप देखिए, मधु यानी शहद, मधु मधुनी मधुनी, प्रथमा मधु मधुनी मधुनी, द्वितीया मधुना मधुभ्याम मधुभिः, तृतीया मधुने मधुभ्याम मधुभिः, चतुर्थी मधुनः मधुभ्याम मधुभिः, पंचमी मधुनः मधुनोः मधुनाम, षष्टि मधुनी मधुनोः मधुषु, सप्तमी हे मधो हे मधुनी हे मधुनी संबोधनम्। सर्वनाम शब्द प्रकरण पुल्लिंग में किस प्रकार से बनेंगे? तद यानी वह, ये आप देखिए कि अगर पुल्लिंग हो सर्वनाम यानी वह तद लिखना हो तो किस प्रकार से धातु रूप चलेंगे, इसके शब्द रूप चलेंगे। शह ताऊ ते प्रथमा, तम ताऊ तान द्वितीया, तेन ताभ्याम तेह तृतीया, तस्मे ताभ्याम तेभ्यः चतुर्थी, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः पंचमी, तस्य तयो तेष्याम षष्ठी, तस्मिन् तयो तेषु सप्तमी। संबोधन इसमें नहीं आएगा। तद शब्द स्त्रीलिंग में सा ते ताः, ताम ते ताः, तया ताभ्याम ताभी, तस्मे ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः तयो ताश्याम, तस्मात् तयो ताश्यु। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में तद, तत् ते तानि प्रथमा, तत् ते तानि द्वितीया, शेष रूप पुल्लिंग के समानी इसमें चलते हैं। अब आप देखिए यत् शब्द यानी जो पुल्लिंग में किस प्रकार से बनते हैं। यह यो याऊ ये प्रथमा, यम याऊ यान द्वितीया, येन याभ्याम येह तृतीया, यश्मे याभ्याम येभ्यः चतुर्थी, यश्मात् याभ्याम येभ्यः पंचमी, यस्य यहो येष्याम षष्टि, यस्मिन् यहो येषु सप्तमी। यत् सब स्त्रीलिंग या ये याः प्रथमा, याम ये याः द्वितीया, यया याभ्याम याभिः तृतीया, यस्ये याभ्याम याभ्यः चतुर्थी, यस्यः याभ्याम याभ्यः पंचमी, यस्यः ययोः याश्याम षष्ठी, यस्याम ययोः याशु सप्तमी। इसी प्रकार से नपुंसक लिंग यत् ये यानी, यत् ये यानी शेष रूप पुल्लिंग के समानी बनते हैं, यानी नपुंसक लिंग पुल्लिंग के समानी दोनों में बनते हैं। अब इदम शब्द यानी यह पुल्लिंग, अयम इमो इमे प्रथमा, इमम इमाउ इमान द्वितीया, अनेन आभ्याम एभिः अस्मे आभ्याम एभ्यः अस्मात् आभ्याम एभ्यः अस्य अयो एष्याम अस्मिन् अयो एषु। स्त्रीलिंग के इयम इमे इमाः, इमाम इमे इमाः, अन्या आभ्याम आभिः, अस्य आभ्याम आभ्यः, अस्याः आभ्याम आभ्यः, अस्याः अन्योः आश्याम, अस्याम अन्योः आशु। नपुंसकलिंग इदम इमे इमानी, इदम इमे इमान्यो शेष रूप पुल्लिंग के समानी बनते हैं। किम शब्द यानी कौन, ये हम अब कल पढ़ेंगे। तो आपको जब तक ये सारे इदम शब्द तक नपुंसक तक याद करने पढ़ेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इनके रूप आप बार बार दोहराते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा।